हाँ ये आपका पोस्ट है। थैंक यू। हेलो, फोटोज मिले तुम्हें? कौन हो तुम और ये सब क्या बदतमीजी है? और वैसे भी ये फोटोज मेरी है भी नहीं, दीज आर मॉर्फ्स। दीज आर मॉर्फ्स, ये तो तुम्हें पता है ना, दुनिया तो कुछ और समझेगी। देखो तुम जो भी हो, डोंट ट्राई टू मेस विद मी, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, कर दो कंप्लेन, कर दो पुलिस में ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब ये फोटोज तुम्हारे माँ बाप और रिलेटिव देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। वैसे मैं मॉर्फ वीडियो भी बना सकता हूँ। देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नो, तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यार। वैसे तुम्हारा वो तुम्हारे बगल वाले ऑफिस में तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है ना, क्या नाम है उसका? हाँ राहुल है ना, सुना है तुम उसके साथ बहुत घूमती हो, बहुत कुछ बातें करती हो, उसके लिए बहुत कुछ करती हो तुम। हो कौन तुम, चाहते क्या मुझसे? वही जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती हो, जो तुम उसके लिए करती हो मेरे लिए भी करो ना। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी फोटोज डिलीट कर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूं। नहीं करने वाली? ठीक है एज यू विश। तो मैं ये तुम्हारी सारी फोटोज ना तुम्हारे माँ बाप को भेज देता हूँ, ताकि उनको पता चले ना कि उनकी लड़की कहाँ जाती है, क्या करती है, किस किस के साथ घूमती है। देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। ठीक है मैं ना तुम्हें ना एक दिन का टाइम देता हूँ, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। बाय। सुनो, हेलो सुनो, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। यस, ये हुई ना बात, बहुत अच्छी। तो सुनो, आज रात में 10 बजे मुझे तुम अपने ऑफिस के पार्किंग मिलना, फिर हम किसी अच्छे से होटल में चलेंगे, ठीक है? सी यू, बाय। तो आ गई तुम। विवेक तुम? ये सब कुछ तुमने किया मेरे साथ? हाँ। पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसी हरकत करी? तुम्हें विश्वास नहीं होगा ना, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? याद है तुम्हें वो वैलेंटाइन वाला दिन जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? मैं रोज दिया था मैंने। कितना पसंद करता था यार तुम्हें मैं, तुम्हारे लिए हमेशा मैंने अच्छा सोचा था, और तुमने मुझे सबके सामने मेरी बेइज्जती करी यार। तुमने बस अपने बस दो टके का वो तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, उसके चक्कर में तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना,
उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अपनी बेइज्जती का बदला ना मैं ज़रूर लूँगा, इसलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ जो ना मॉर्फ करी, तुम्हें ब्लैकमेल किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और जैसा तुम सोच रहे हो वैसे मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। घटिया मत बोलियो मुझे आगे, समझिए ना, घटिया मत बोलिए, बता रहा हूँ घटिया इंसान कैसे होता है। दिखाता हूँ अभी तेरी सारी फोटोज है ना, तेरे घर वालों को भेजूंगा। पुलिस स्पर्श, व्योमा तू यहाँ बैठ के रो क्यों रही है? एक बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी फोटोज मॉर्फ करके मुझे भेज रहा है। और तुझे पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा लॉ है कि इन केसेस में पुलिस विक्टिम की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखती है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा जब तक तू नहीं चाहेगी। तू चल मेरे साथ, पुलिस कंप्लेन करते हैं हम। ठीक है चल। हाँ बेटा, पुलिस लड़कियों को ब्लैकमेल करता है ना, अब तो तू लंबा जाएगा। मैडम आप परेशान मत होइए, इसे तो हम देख लेंगे। चल ना, अबे चल, छोड़ो नहीं तुझे। हाँ मैं देख लूंगा, चल। तुम ठीक हो? थैंक यू सो मच स्पर्श, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी होती आज तो मैं उसकी बातों में आ जाती और पक्का कुछ गलत कर बैठती। कोई बात नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखना, और ऐसी सिचुएशंस में हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बहुत लेट हो गई। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।